इसी के साथ साथ हमें जुनेद खान साहब ने ज्वाइन किया है जो कि क्रिकेटर हैं और उनसे भी कुछ सवालात का सिलसिला जारी करते हैं। जुनेद साहब कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड के बारे में जानना चाहूंगी, जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, क्या होगा, किस तरह से हम लोग इसको मैनेज करेंगे? आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट बारिश है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर यही मैचेस या मुल्तान में करा देते या कराची में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारों को पता था कि लाहौर वगैरह इन साइडों पे जो है इस सीजन में बारिशें होती है, तो मेरे ख्याल में बेहतर होता था। ये भी मुझे आइडिया है कि कराची में जो है वो वुमेन्स के मैचेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो एकेडमी है तो वहाँ पे भी जो है वो वुमेन के जो मैचेस थे वो अरेंज कर सकते थे, या बाकी भी वहाँ पे ग्राउंड है, तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होता था कि कराची में करा देते। सही जुनेद, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अजहर महमूद का कहना था कि बाबर आजम को भी रेस्ट दे देना चाहिए, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल में कभी हुआ नहीं है हमारी जो कल्चर है, लेकिन ऐसा होता है। जो बाकी टीमें हैं ना, तो वो रोटेशन पॉलिसी जो है वो ट्राई करते हैं, स्पेशली अगर कोई मेजर टूर्नामेंट आता है तो उससे पहले तो वो डेफिनेटली करते हैं। आप देख ले अभी ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देख ले कि उन लोगों ने अपने प्लेयर्स को जो है वो कहा है कि भाई आप अगर आईपीएल भी खेलोगे तो इस तरीके से खेलोगे, या कुछ प्लेयर अभी काउंटी क्रिकेट में खेल रहे हैं इंग्लैंड में, तो उनको कहा हुआ है कि भाई अगर आप फोर डे क्रिकेट खेलोगे तो आप दो मैच खेल के तीसरे में आप रेस्ट करोगे, या जिस तरह नितिन लायन था तो अभी उनकी टेस्ट सीरीज में जो है वो काफी टाइम है, लेकिन उन लोगों ने उसको कहा हुआ है लंका शेयर के लिए वो खेल रहे हैं, तो उनको कहा हुआ है कि भाई आपने इतने मैचेस खेलने हैं उसके बाद आपने वापस आने हैं क्योंकि आपने रेस्ट करना है। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा कर देता है तो ये एक अच्छा स्टेप होगा। बिल्कुल सही। हाफिज साहब मुझे लगता है कुछ पूछना चाह रहे हैं। जुनेद, ये जो रोटेशन पॉलिसी है, जैसे हमने ये सुना कि शाहीन को आराम हो सकता है कि दो मैचेस में वो करें, और दूसरा पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है, अभी आप पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के साथ भी रहे, दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखते हैं तो वहाँ पर पहले उमरान मलिक आए जो कि बड़े जेन्युइन पेस के साथ थे, फिर मयंक यादव इस मरतबा आए, तो आप ये मुवाजना किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान में अब 140 के गिर्द गिर्द ही फास्ट बॉलर ज़्यादा नज़र आते हैं, हम एक्सप्रेस पेस हमें नज़र नहीं आ रही, और दूसरा ये जो रोटेशन पॉलिसी है, आपकी इस हवाले से क्या राय है? पहले तो ये कि जो रोटेशन पॉलिसी अभी अंडर 19 में मैं कोच कर रहा था ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जितने भी प्लेयर थे सारों को जो है वो मैचेस खिलाए, तो मेरे ख्याल में अगर आप लेवल से ये रुझान ले आए ना, तो ऊपर लेवल पे जो है अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप नहीं अगर रेस्ट करते हो तो वो बुरा फील करता। दूसरा ये कि हमारा कल्चर ये है कि अगर कोई सीनियर को आप रेस्ट दे और उसकी जगह कोई जूनियर खेलता है ना, अगर वो 4-5 आउट करते हैं और उसको अगले मैच में रेस्ट दे देते हैं ना, तो हम सारे कहते हैं यार उसने तो 5 आउट किया था, उसको क्यों ड्रॉप किया? तो हमारे हाथ जो है वो कोई भी प्लेयर जो है वो सिक्योर नहीं है, तो इसलिए जो सीनियर है वो अपने आप को अनसिक्योर जो है वो फील करते हैं, तो इसलिए जब उसको रेस्ट दिया जाता है तो वो कहते हैं कि यार अब अगर मेरी जगह जो आया है और उसने परफॉर्म किया है। हमारे कल्चर ऐसा है कि हम जो पास में 8-10 साल किसी ने परफॉर्म किया है और अगर कोई लड़का आ जाता है और वो 1-2 मैच में करते हैं तो हम वो 8-10 साल वाला काम जो है वो भूल जाते हैं। जिस तरह हाफिज जी ने शाहीन की बात की है ना, तो शाहीन को रेस्ट देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक तो हमारे मीडिया में जो है वो पहले से शुरू हो गया कि भाई शायद पहले 2 मैच नहीं खेलेगा, ये होगा वो होगा, तो ऑलरेडी उसको एक तो जो कप्तानी की वजह से भी वो हेडलाइन में, फिर अगर मीडिया में आना शुरू हो गया कि भाई वो पहले 2 मैच में जो है वो बाहर बैठेगा, तो इसका प्रेशर जो है वो किसी पे भी नहीं होगा, प्रेशर जो है वो मैनेजमेंट पे जाएगा, कप्तान पे जाएगा, क्योंकि वो फिर सोचने लगता है कि यार मैं ये करूं, अगर मैं कर लेता हूं तो मीडिया में क्या होगा, अगर नहीं करता तो भी वो लोग, हम लोग जो होते हैं वो मीडिया पे बैठ के कहते हैं यार उसको रेस्ट करना चाहिए था, इसको रेस्ट करना चाहिए था। तो हमारा जो है वो हम सपोर्ट नहीं कर रहे, जो इवन जितने भी प्लेयर है, मैं अगर आपको कहूँ ना कि जितने भी हमारे एक क्रिकेटर है ना, वो अपनी रोजी रोटी का वो चक्कर है या टीवी पे आने का शौक है, तो अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको उल्टा जवाब देता है, अगर कोई उल्टा करे तो उसका अच्छा जवाब देते हैं, तो हमारे यहाँ कल्चर जो है वो सही नहीं हो रहा, तो हमें पहले जो हमारे सीनियर है ना उनको बैक करना चाहिए, अपने टीम को, अपने प्लेयर को। और ये जो एक्सप्रेस पेस है, आपको लगता है कि जैसे उमरान मलिक आए, मयंक यादव आए, पाकिस्तान में कुछ ना कहीं कुछ इस हवाले से भी मुश्किलात हैं कि हमें वो जेन्युइन पेस नहीं मिल रही है तसलसल के साथ?
हाफिज जी आप देख लेना कि जितने भी वर्ल्ड क्लास के बॉलर बने हैं ना, तो उसमें कोई भी 150 वाला नहीं था। एंडरसन 130 में करते हैं, शॉन पॉलक 130 135, चमन दवाद 130 135, फिर जितना मेगरा को देख ले 135 140 था। मेरे ख्याल में पेस से ज्यादा अगर आपके पास स्लिंग हो और लाइन लेंथ हो तो आप बड़े बॉलर बन सकते हो। आप उमरान मलिक की आप बात कर रहे हो, उमरान मलिक किधर है? उमरान मलिक 2-3 मैच खेला इंडिया के लिए, उसके बाद आईपीएल में भी उसकी जगह नहीं बनती। तो मेरे ख्याल में जो है वो स्विंग जो है वो जरूरी है पेस से। आप हमारी मिसाल ले लें, हमारे यहाँ जो है हारिस आया था तो हारिस तो परफॉर्मेंस दे रहा था, उसकी पेस भी थी, लेकिन अब वो किधर है? एक दो मैच में उससे नहीं हुआ तो उसके पास वेरिएशन नहीं था, स्विंग नहीं था, तो हम लोग ही तो उसके पीछे पड़ गए थे ना। फिर मूसा आया था, वो 150 में कर रहा था, तो मूसा किधर है? इवन नसीम शाह जब शुरू में आया था तो नसीम शाह के पास पेस थी लेकिन स्विंग और कंट्रोल नहीं था, तो अब वो बायर हो गया। लेकिन उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा पेस कम किया है लेकिन उसने अपने स्विंग पे काम किया। तो आप देख लें नसीम शाह जो है वो कितना फेंकते हुए। तो मेरे ख्याल में हाँ, पेस के साथ अगर स्विंग हो जिस तरह शेब भाई का था, ब्रिटली का था, बॉन्ड का था, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पेस से ज्यादा आपके पास वेरिएशन हो तो वो बेस्ट होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जुनेद आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, और यकीनन आपने जितनी गुफ्तगू की है वो बहुत अहमियत रखती है। इसमें उस्मान आपसे जानना चाहूँगी कि अभी मैं देख रही थी कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेटर्स को भी ये चीज़ फील होती है कि आप क्यों इतने तजर्बाकार क्रिकेटर को आप साइड पर कर रहे हैं, साइड पर चले नहीं कहती मैं, कहती हूँ कि आप उनको रेस्ट दे रहे हैं लेकिन उसके बाद आप किसी और को लेके आ रहे हैं, और बहुत थोड़े वक्त में ये जज कर लिया जाता है कि हाँ ये प्लेयर हमारा जो है ये टॉप प्लेयर है, और जिसकी एक लंबा अरसा गुजरा होता है, जिसका एक्सपीरियंस होता है, उसको भूला जाता है। मोहम्मद हफीज़ का भी इस हवाले से कहना था कि उन्होंने कहा है कि बाबर को पहले किसी वजह से पीछे किया गया, फिर खुद ही लाए गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? एग्जैक्टली जैसे जुनेद ने बोला कि हमारे यहाँ जो कल्चर है ना वो यही है कि प्लेयर जो है वो सिक्योर फील ही नहीं करते ना। हाँ। तो उसका मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए वो अंडर 19 से ही जो है प्लेयर्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि प्लेयर को जो है सिक्योर किया जाए। अगर यहाँ पर होता ये क्या है कि अगर एक प्लेयर तैयार हो गया है तो उसकी जगह जो है अगर आप रेस्ट करवाएं, कोई जूनियर प्लेयर आगे परफॉर्म कर जाए तो आप उसको भूल जाते हैं, फिर आपको वही नजर आ रहा होता है। तो आई थिंक ऐसे नहीं होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए जैसे ही दूसरी टीम्स में भी होता है, और हमारे यहाँ भी इसको जो है वो प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को कि यार प्लेयर को अपना सिक्योर फील होना चाहिए। हाँ। कि अगर वो उसको रेस्ट मिल रहा है तो उसको पता हो कि यार मुझे दो मैच रेस्ट करवा रहे हैं तो दो मैचेस के बाद मैंने वापस आके फिर खेलना, इससे ये होगा कि उसकी भी एनर्जी सेफ रहेगी और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अब आप देखिए, जब क्रिकेटर्स के मुंह से आप ये बातें सुनते हैं जो हम लोग अपने तौर पर अपने अंदाजे से बोलते हैं कि शायद वो ये फील करते हो शायद, तो ये कितनी एक दुख होता है इस चीज़ का भी। जैसे हाफिज साहब रविश का कहना था कि नहीं पाकिस्तान भी अपनी क्रिकेट को सीरियसली लेता है, तो मैं दिल ही दिल में ये सोचती थी कि सीरियसली तो ले रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी जिस तरह से माशाल्लाह से मुलाकातें कर रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ बेहतरी क्रिकेट में नजर आएगी। किससे मुलाकातें कर रहे हैं? मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट वगैरह से, काफी लोगों से मैं देख रही हूँ कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं। न्यूजीलैंड का चेयरमैन भी क्रिकेट बोर्ड का साथ आया हुआ है। नहीं नहीं, अब देखें ना, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए है ना हाफिज साहब, जो भी नहीं तो क्रिकेट की बेहतरी, न्यूजीलैंड वाले नहीं चाहेंगे कि उनकी क्रिकेट की बेहतरी हो? मतलब वो भी अपना चेयरमैन साथ लेके हैं कि हर मैच से पहले चेयरमैन ने मिलना है क्रिकेट की बेहतरी के लिए। क्या हो गया पाकिस्तान में? देखें मैं, चेयरमैन का क्या काम है मैच से पहले अपनी टीम को मिलने का, अपनी टीम के खिलाड़ियों को मिलने का? उसको तो 600-600 का मील दूर रहना चाहिए टीम से अपनी। हाफिज साहब, वो बकअप के लिए, एक सपोर्ट के लिए, यही बकअप है। वो बच्चे हैं, दूध पीने पीते हैं अभी तक, वो उनको वालदा उनकी दूध तैयार करके देती हैं कि आपको दूध की ज़रूरत है, आप पी लें, आपके खाने का टाइम हो गया। किस किस्म की ये मैनेजमेंट है, कुछ समझने की बात है ना। मतलब क्या मुझे उसकी कुछ, आप उसकी कोई एक दलील दे दें कि दुनिया में कहीं ऐसा हो तो चलो छोड़ दें, दुनिया को भी कोई करता है या नहीं करता। मतलब 30-30, 32-32 साल के, 28-28 साल के, 34-34 साल के क्रिकेटर्स हो जाएं आपके, 50-50 साल के उनके कोचिज़ हो जाएं, उनको चेयरमैन के बकअप करने की ज़रूरत है? वो छोड़ें घर जाके बैठें, फिर जाके अपना कोई और काम करें। ये क्रिकेट है मैडम, ये आपको हज़ारों की तादाद में लोगों ने स्टेडियम में देखना होता है, लाखों करोड़ों लोग आपको टेलीविज़न पर और डिजिटल पर देख रहे होते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे आपको अच्छा नहीं कह रहे होते। ये बकअप वकअप ये सारी वो चीज़ें हैं जो वैसे ही, मतलब है कि ये फैंसी वर्ड्स हैं, ये बोलने में अच्छे लगते हैं लोगों को, वैसे ही चले यार खुश हो जाते हैं। ये ना, ये फैन इंगेजमेंट के नाम पे ना पाकिस्तान में एक अजीब सा तूफान है, और चेयरमैन का कोई काम नहीं है बैकअप वकअप करने का। वो वैसे डर रहे हो बार यार ना ही आए तो चंगा है। दिल में तो कोई किसी के नहीं ना झांकता। हाँ। लेकिन प्लेयर्स को तो पता होगा ना, मतलब अजहर महमूद से ज्यादा बैकअप और बेहतर कर सकते हैं मोहसिन नकवी,
क्या बाबर आजम को किसी बकअप की जरूरत है, दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है, क्या शाहीन आफरीदी को एक ऐसे वक्त में कि जब टूर शुरू होने को है चेयरमैन के थपकी की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यही बकअप ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत होती है, तो जब आपकी रीजनल क्रिकेट हो रही होती है तो रीजनल प्रेजिडेंट क्यों ट्रैवल नहीं करता फिर अपनी टीम के साथ? वो भी तो उनका चेयरमैन ही होता है ना। मतलब लाहौर की टीम अगर खेल रही है, कराची की टीम खेल रही है, क्वेटा की टीम खेल रही है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, मुल्तान की टीम खेल रही है, तो उनके प्रेसिडेंट को भी अपनी टीम के साथ ट्रैवल करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए हर मैच के बाद, हर दिन के बाद। ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको तस्वीर बनाने के लिए आप करना पड़ती है। मुझे बड़ी दुख होता है ऐसी बातें, क्योंकि ना लोग कहेंगे ज़का साहब से भी खुश नहीं थे, ये सेठी साहब पर भी तनकीद करते हैं, ये मोहसिन नकवी आ गए उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं। तो भाई हमारा काम ही ये है, आप कुछ बदल लें, कुछ आप बदल लेना, मतलब जो वो अच्छा काम करेंगे उसकी जरूर पजीराई की जाएगी, हौसला अफजाई की जाएगी। लेकिन ये क्या काम है कि मैच से पहले चेयरमैन को अपनी टीम से मिलने की जरूरत है? मतलब क्यों जरूरत है ना? बिल्कुल सही, मतलब क्यों जरूरत है? वो इतना तो कोई बच्चा इम्तहान देने जाता है ना, तो उसका वालिद उसको नहीं मिलता होगा, वो कहता होगा यार 2-3 घंटे अलग रहे, तेरा जरा खुद अपने जेन से सोच, प्रेशर उतरे, पेपर खुद देने है ना।